हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम एक और लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं। प्रॉब्लम का नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर, और ये प्रॉब्लम हमारे हेलो डीएसएस सीरीज का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है। सो इस प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो है मीडियम, और ये प्रॉब्लम एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, पेपाल और बहुत सारे बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इस क्वेश्चन को पूछते हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप में भी आपको ये क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। सो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन, एंड देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आईथ लाइन आर आई जीरो एंड आई हाइट। ओके, फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। ओके, नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैम द कंटेनर। ओके, सो बेसिकली क्या बोला है, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक हाइट एरे दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो हर एक वैल्यू, एक एक वैल्यू है, वो बेसिकली एक हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इज 1, विच मीन्स अ लाइन ऑफ हाइट 1। देन सिमिलरली वी हैव 8, अ लाइन ऑफ हाइट 8। सिमिलरली डिफरेंट हाइट दिए हुए फॉर डिफरेंट लाइन्स। बेसिकली वी नीड आइडेंटिफाई टू लाइन्स यूजिंग विच वी कैन कंटेन मोस्ट वाटर। तो एक बार आईपैड पे दिखाता हूँ कि क्या क्या बोलना चाहा है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और ये जो हाइट्स है वो बेसिकली लाइन्स है। इफ यू कंसिडर दिस इन अ ग्राफ, सो यू हैव अ लाइन ऑफ, लेट्स से लाइन ऑफ 1, हाइट 1, लाइन ऑफ हाइट 8, लाइन ऑफ हाइट 6, हाइट 2, लाइन ऑफ हाइट 5, राइट। सो यूजिंग दिस लाइन यू कैन लॉजिकली क्रिएट अ कंटेनर। सो लेट्स से ये हाइट 2 से लेके हाइट 5 तक, इससे हम एक कंटेनर बना सकते हैं इसको, ठीक है। बट हमारा कंटेनर बनेगा कैसा? अगर हम इसको कंसिडर करते हैं एंड इसको कंसिडर करते हैं, तो दिस विल फॉर्म अ कंटेनर ऑफ दिस काइंड, जहां पे अगर एक लाइन छोटा है एक बड़ा है, तो योर कंटेनर विल बी एबल टू होल्ड वाटर अप टू दिस लेवल, राइट। क्योंकि इससे ऊपर आप वाटर नहीं होल्ड कर सकते, अदरवाइज ये ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। अगर इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, लेट्स से ये दो लाइन, एक का लाइन का हाइट है 8, एक का लाइन का हाइट है 7। इफ यू ट्राई टू पुट वाटर इन बिटवीन दिस टू लाइन, तो ये कहां तक भर सकते हैं? मतलब यहां तक ही भर सकते हैं, जहां पे आपका मिनिमम हाइट है। लाइक दोनों में से एक का जो मिनिमम होगा लाइन का हाइट, वहां तक ही पानी भर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू ट्राई टू फिल मोर वाटर, तो क्या होगा, ये इस तरफ से ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यू कैन थिंक ऑफ टू लाइंस विच कैन फॉर्म अ कंटेनर। अगर ये कंटेनर का लाइंस अगर सेम लेवल पे है, तो यू कैन फिल इन वाटर अप टू दिस, राइट। बट लेट्स से आपका जो कंटेनर है उसका लाइन एक छोटा है और एक इतना बड़ा सा, राइट। नाउ इफ यू ट्राई टू फिल इन वाटर इन दिस काइंड ऑफ कंटेनर, तो आपका जो वाटर है वो यहां तक फिल हो पाएगा, राइट। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो, तो इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, राइट, बाहर निकलने लगेगा। तो एट मोस्ट यू कैन फिल, यू कैन होल्ड वाटर अप टू दिस लाइन, राइट, विच इज द लाइन विच इज स्मॉलर अमॉन्ग टू, राइट। तो बेसिकली हमें ऐसा दो लाइन आइडेंटिफाई करना है विद दिस गिवन हाइट। सो बेसिकली ये दिया हुआ, राइट, ये इतने सारे लाइन दिए हुए, तो दो लाइन ऐसे आइडेंटिफाई करना है जहां पे वी कैन होल्ड मोस्ट वाटर। सो हमारे आंसर में क्या आएगा, इफ वी कंसिडर दिस टू लाइन 8 and 7, सो वी कैन कंटेन मोस्ट वाटर। हाउ, लेट्स कैलकुलेट। सो अभी इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट, हम वी नो दैट वी कैन होल्ड वाटर अप टू दिस, दैट मीन्स जो मैक्सिमम लेंथ होगा वाटर का वो क्या होगा, वो होगा लाइन 7। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ हो गया 7, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द वाटर, सो बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ 2D प्लेन। हम यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल जस्ट ट्राई टू गेट द मोस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमको पता है मैक्सिमम लेंथ होगा 7, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, तो ब्रेथ वुड बी सिंपली राइट माइनस लेफ्ट। तो ये आपका राइट पॉइंटर हो गया, ये हो गया लेफ्ट पॉइंट। तो ब्रेथ कैसे निकालोगे, 8 minus 1 वुड बी 7, तो ऐसे निकलेगा, राइट, बिकॉज आपको इन दोनों लाइन के बीच का ये ब्रेथ चाहिए, राइट। तो ये क्या होगा, अगर 1 से लेकर 8 तक आप जाओगे, इट वुड बी ऑफ लेंथ 7 ओनली, राइट। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। सो दिस वुड बी 7 इन विड्थ। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो हाइट होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ राइट हाइट कॉमा लेफ्ट हाइट। तो लेफ्ट लाइन, बेसिकली राइट और लेफ्ट लाइन में जो मिनिमम होगा वो आपका हाइट हो जाएगा, और जो विड्थ होगा वो क्या होगा फिर, वो कुछ नहीं, वो सिंपल है, वो आपका राइट माइनस लेफ्ट होगा, राइट। जो भी आपका राइट वैल्यू है, विच इज इन दिस केस इज 8 एंड लेफ्ट पॉइंटर इज 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हमें क्या आउटपुट निकालना है वो समझ में आ गया होगा। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा, यहाँ पे हाइट कितना आ रहा है आपका, हाइट मैंने बोला था मिनिमम ऑफ राइट लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट का हाइट हो गया 7, और विड्थ क्या होगा, राइट माइनस एल, राइट का वैल्यू है 8, लेफ्ट का वैल्यू है 1, विच इज 7। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 7 × 7, 49, तो इसका आउटपुट होगा 49, ठीक है, वही हमारे टेस्ट केस में भी दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। सो अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, कि आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है ये दोनों लाइंस, सो दैट इट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। तो अब वो होगा कैसे, लाइक व्हाट इज द एफिशिएंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस टू वैल्यूज, राइट। तो बेसिकली सिंपल है, राइट, हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, राइट, कि लेट्स से कि इफ वी ट्राई टू क्रिएट अ कंटेनर विद, लेट्स से फर्स्ट लाइन विच इज ऑफ हाइट 1 विद ऑल पॉसिबल लाइंस। सो लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंटेनर विद लाइन हुज हाइट इज 8, सो लेट्स से यूजिंग दिस लाइन यू वांट टू क्रिएट अ कंटेनर विद सेकंड लाइन which is of height 8, so maximum it can hold this much water, right, which is height would be, the minimum one would be 1, that means length would be 1 and the width would be 1 minus 0, right minus L, which is again 1, so total area would be 1 only,
right? Similarly, I'll try to create a container with the first line and the second line. Second line's height is 6. That means 6 minus 1 would be the width, which is 5. And minimum of these two is 1. Because as we discussed, right, water can be retained till the minimum height line, right, which is 1. So 1 into 5 is 5. The total area would be 5. Similarly, I'll try it for each combination, right? I'll try 1 with each line so that I can just keep a track of maximum area. Similarly, I will do it for this line as well. I'll try to check for every line and will try to keep a track of maximum area, right? But this would be the naive solution where you are just taking one line and then you are trying to form a container with each of the other lines and you are trying to keep track of maximum area. So in this case, you might be requiring a nested for loop using which you will be just calculating the area for all the possible combinations, and then at the end you will be returning the maximum area, right? So that would be of order of n square, because what we are doing, we are taking each and every line and we are trying to form container with every other line. So it is like trying out all combinations. So that would be order of n square. And space won't be required because we are not using any extra space, right? So I hope the naive solution is clear. Ab thoda sa hum dekh lete hain isko optimize kaise kar sakte hain. So simple hai, hum karna kya cha rahe hain? We are trying to figure out two lines such that the area is maximum, right? So yahan pe bahut hi simple intuition hai that we want to form a container, right? It could be some line would be on the left and some line would be on the right and it will form a container. So what we can do is, instead of trying out every possible combination, what we can do, we can simply use two pointers, one at the left, one at the right, and we can start comparing. So let's say our first pointer is here in the first line and the last pointer is at the last line. Then we can try to calculate the area, right, by finding the length. Length would be this, minimum of these two lines, which is 1. Width would be right minus left, right? This is simple, right? Similarly, now the question here is which pointer you will move after this calculating the area, right? So yahan pe hame basically kya karna hai, hame us pointer ko move karna hai which is pointing to the line with minimum height. So in dono mein, when we started with extreme left and extreme right, we know ki iska height kam hai, right? After calculating the area and preserving it in some variable, we can simply move this pointer to the next line so that we can calculate the area again, right? Depending upon that, we will always try to move the pointer from the minimum height line because we want to maximize the water in the container, right? So I hope that is clear, right? If you have any query, you try to watch this video again, things will get more clear, okay? So intuition bahut hi simple hai. Ek bar aur dikha deta hu ki we have this container jahan pe you have a lines of different height, okay? And what we are trying to get is a container which can hold most water. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is 1, 3, 2, let's say 4, 5. So yahan pe kar kya rahe the hum log basically what we are saying ki hum do pointer lenge. Let's say left pointer, right pointer, theek hai? Now we will calculate for these two pointer, we will calculate the area, right? Area would be what? Area would be 7 minus 1, which is 6, and the height would be 1. So area ho gaya 6. Now अब मैं क्या बोल रहा था कि हम पॉइंटर, ये टू पॉइंटर अप्रोच, राइट? कौन सा पॉइंटर मूव करेगा? लाइक दिस पॉइंटर विल मूव टू दिस डायरेक्शन, दिस पॉइंटर विल मूव टू दिस डायरेक्शन. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द एरिया, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंटर मूव करें. वी विल ऑलवेज ट्राई टू मूव द पॉइंटर जो कि एक छोटे लाइन को पॉइंट कर रहा है, राइट? सो विल मूव दिस लेफ्ट पॉइंटर अहेड. क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द वॉटर विच दिस कंटेनर कैन होल्ड, राइट? सो दैट्स वाई हमने वो पॉइंटर मूव किया जो छोटे लाइन को पॉइंट कर रहा था. बेसिकली आप अगर इस लाइन को इंक्रीज करोगे, देन यू कैन, यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग मोर वाटर, राइट? सो दैट्स द रीजन वी मूव्ड लेफ्ट पॉइंटर. सिमिलरली व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, वी विल कैलकुलेट द एरिया, वी विल अपडेट अकॉर्डिंगली. अगर एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है, देन वी विल जस्ट ओवरराइड दिस एरिया एंड देन अगेन विल मूव लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है? ऐसे ही व्हेन यू आर मूविंग दिस पॉइंटर आफ्टर कैलकुलेटिंग एरिया बाय एरिया, व्हेन यू रीच हियर एट दिस पॉइंट, यू नाउ कंपेयर विद राइट पॉइंटर. राइट पॉइंटर इज एट लाइन विथ हाइट 4. And this is at line with height 5. Now at this point, so now your right pointer will move. Now right pointer will move to the next line, which is 6. So is tarike se hum basically apne left or right pointer ko move kar rahe hain. And one thing you will notice that we will do this until your left pointer crosses right pointer. Okay. So eventually what we are doing, ki ye jo comparison hai, hum overall ek hi bar kar rahe hain, right? We have to iterate this array only once, which will reduce our time complexity to order of n. Theek hai? Which is what we wanted to achieve. एक बार कोड देख लेते हैं, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर व्हेन यू सी द कोड. सो ये रहा कोड. यहाँ पे वी हैव दिस मैक्स एरिया मेथड जहाँ पे वी आर टेकिंग दिस इंटीजर एरे हाइट, ठीक है? एंड देन वी हैव लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर. लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू द जीरोथ इंडेक्स एंड राइट इज पॉइंटिंग टू द लेंथ माइनस वन इंडेक्स, ओके? एंड देन वी हैव दिस मैक्स वेरिएबल विच विल होल्ड
द मैक्सिमम एरिया. ठीक है, नाउ एज आई मेंशन ये लेफ्ट राइट अंटिल इट क्रॉसेस इच अदर वी विल रन दिस व्हाइल लूप एंड देन वी विल कैलकुलेट द विड्थ. विड्थ क्या होने वाला है, जो मैंने बताया था राइट माइनस लेफ्ट. सो हेयर हाइट वुड बी मिनिमम ऑफ लेफ्ट और राइट लाइन्स हाइट, राइट, बिकॉज विच एवर इज मिनिमम दिस लेफ्ट एंड राइट pointers are pointing to two different lines, right? Out of which, whichever line has minimum length, उसका हम height consider करेंगे, ठीक है? And then area would be height into width, ठीक है? And then we'll simply check if this new area is greater than previous max or not. If it is, then we'll update. Otherwise, we'll ignore, ठीक है? Similarly, we will decide like which pointer to move. We'll just check कि किसका pointer should move. Now, first condition is height of left line is less than height of right line. Then we'll just increase the left pointer. Or we will decrease if, let's say, height of left pointer is greater than height of right pointer, right? Then in that case, your right will get decremented. And let's say there is a scenario where both the lines are of same length, then what we can do, we can simply move both the pointer, right? And after iterating over all these values, at the end we'll have a maximum water which can be hold in this container. Okay, so I hope aapko code samajh aa gaya hoga. Code bahut hi simple hai. Aur iske alawa agar aapke kuch doubts honge to aap please comment karna, main bata dunga. Ye question bahut important hai, ek bar dobara se is video ko dekh lena just to make your intuitions clear. तो ठीक है, इतना ही था इस वीडियो के लिए. आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा. अगर सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. सो मिलते हैं हेलो डीएसए सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.